विनिंग एंड वर्किंग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए हमने 20 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से हम 5 जिसमें आप लोग को ज्यादा ना समझाना पड़े वो लिए हैं, उसके बाद कुछ को एक्सप्लेन करना होगा वो लिए हैं 25, ठीक है 30 है। तो अभी हम स्टार्टिंग में 5 बिना आपको एक्सप्लेन किए वाले बताते हैं। क्या पहला है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ रेलवे ट्रैक फॉर डिक्लेयरिंग बिलो इट। एक रेलवे ट्रैक के नीचे हमको डिक्लेयरिंग करना है तो कितना सरफेस पर मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेन होना चाहिए वो बताना है। तो कितना रहना चाहिए, नॉट मोर देन 3 mm पर मीटर, ठीक है। सेकंड, सेफ लिमिट ऑफ स्ट्रेन इन द बेड ऑफ वाटर बॉडी फॉर डिक्लेयरिंग बिलो इट। वाटर बॉडी नदी है नाला है, उनके नीचे हमको रिजर्वायर है, उनके नीचे हमको डिक्लेयरिंग करना है, सरफेस पर ना रह गए उसके नीचे अंडरग्राउंड में हमको डिक्लेयरिंग करना है। तब वाटर बॉडी के वो नदी नाला के बेड में उसके तल्ली में कितना मैक्सिमम स्ट्रेन से ज्यादा पैदा नहीं होना चाहिए, ताकि ये दोनों चीज क्या के लिए, दोनों चीज है ताकि सब्सिडेंस पैदा ना हो, क्रैक्स पैदा ना हो। यदि सब्सिडेंस पैदा हो गया, क्रैक्स पैदा हो गया तो पानी है, पानी कहां चल जाएगा, अंडरग्राउंड में चल जाएगा, आपका रेलवे है, रेलवे अफेक्ट हो जाएगा। तो हमको इनको बिना डिस्टर्ब किए वर्किंग करना है। तो यहां पर भी आपको सेम फिगर याद रखना है कि यहां पर भी स्ट्रेन जो है 3 mm पर मीटर से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। थर्ड, हार्ड कवर फॉर डिक्लेयरिंग बाय केविंग, केविंग मेथड से आपको डिक्लेयरिंग करना है तो मिनिमम कितना हार्ड कवर चाहिए, किससे कम नहीं चाहिए, 7.5 मीटर 7.5 मीटर से आपको हार्ड कवर कम नहीं चाहिए, तभी आप को DGMS परमिशन देते हैं डिक्लेयरिंग विद केविंग का। क्यों, हार्ड कवर नहीं रहेगा आपका, कवर और हार्ड कवर दोनों में डिफरेंस है। हार्ड कवर वो जो हार्ड पत्थर है ऊपर का एलुवियल सॉइल, इसको हार्ड कवर में नहीं मानते। तो हार्ड कवर आपका किससे कम नहीं होना चाहिए, 7.5 मीटर से 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम रहेगा तो क्या होगा, सब्सिडेंस क्रैक्स की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और इसी में एक और चीज बताए थे, वेयर हार्ड कवर मोर देन 7.5 मीटर बट लेस देन 15 मीटर, 7.5 मीटर से अधिक है लेकिन 15 मीटर से कम है हार्ड कवर, तब आप जो अंडरग्राउंड में डिप्लेयरिंग के लिए स्लाइस और स्प्लिट चलाते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 3 मीटर टू 3.6 मीटर, इससे ज्यादा आपकी गैलरी की चौड़ाई नहीं रहेगा, ठीक है। और कुछ देखते हैं, देखिए इसका हम सोल्यूशन बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द सेफ पार्टिंग फॉर डिक्लेयरिंग बाय केविंग ए लोअर सीम और सेक्शन विदाउट अफेक्टिंग वर्जिन अपर सीम और सेक्शन, वर्जिन अपर सीम या वर्जिन अपर सेक्शन है जिसमें कोई काम नहीं हुआ है, और लोअर सीम या लोअर सेक्शन में आप डिक्लेयरिंग करना चाहते हैं, और ऊपर वाला जो सीम या सेक्शन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसमें कोई तरीके का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तब अपर सीम और लोअर सीम या अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन के बीच में सेफ पार्टिंग कितना रहना चाहिए। तो आंसर है, सेफ पार्टिंग इज 15 टाइम्स द थिकनेस ऑफ लोअर सीम और सेक्शन। तो कहां से आ गया, मैं बोल दिया इसलिए आ गया क्या, नहीं, देखिए इसका फॉर्मूला है, सेफ पार्टिंग निकालने का एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू 3D डिवाइडेड बाय K-1। तो यहां पर नोटेशन देख लीजिए, H का मतलब है सेफ पार्टिंग, H का मतलब क्या है, सेफ पार्टिंग, यही ना निकालना था, और T का मतलब है थिकनेस ऑफ लोअर सीम और सेक्शन, थिकनेस ऑफ
लोअर सीम आर सेक्शन, और के है बल्किंग फैक्टर। के क्या है? बल्किंग फैक्टर। के है बल्किंग फैक्टर, इसको लेते हैं 1.2। ठीक है, देखिए एच से पार्टिंग है, टी थिकनेस ऑफ लोअर सीमर सेक्शन, के बल्किंग फैक्टर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एच इज इक्वल टू 3t। ये तो अभी आपको पता नहीं, जब आपका जो एक्चुअल रहेगा उसको जब आपको कैलकुलेशन आएगा तो रख दीजिएगा। के कितना लेना है? 1.2 माइनस 1, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 3t डिवाइडेड बाय 1.2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.2 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15t। टी का मतलब क्या है? थिकनेस ऑफ लोअर सीम आर सेक्शन, मतलब लोअर सीम एयर सेक्शन का जो भी थिकनेस रहेगा उसका 15 गुना कर दीजिएगा, वो आपका सेफ पार्टिंग होगा। एच क्या आपका? सेफ पार्टिंग। तो इसमें कोई दिक्कत है? कैसे आए? ये जो चीज आया है सेफ पार्टिंग इज 15 टाइम द थिकनेस ऑफ लोअर सीम आर सेक्शन, कैसे कैलकुलेट हुआ? या आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया, आपको मान लो दे दिया कि आपका ये 3 मीटर है, लोअर सीम का थिकनेस 3 मीटर है, तो यहां क्या कीजिएगा? 15 × 3 कितना हो गया? 45 मीटर। आपको क्या रखना होगा? मिनिमम थिकनेस कितना बोलता है कंटिग्यूस में? 3 मीटर। जब वो साइमल्टेनियसली चलता है तब। ये कब बोल रहा है? जब वर्जिन सीम को आपको वर्जिन जो अपर वर्जिन सीम है या अपर सेक्शन है उसमें कोई टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उस केस में बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ ब्रिक आइसोलेशन स्टॉपिंग इनटू कोल सेल एंड सन स्टोन? आइसोलेशन स्टॉपिंग के ऊपर हम 3 वीडियो भेजे हैं अलग अलग, कंस्ट्रक्शन डिटेल, पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, और उसका एक फार्मूला भेजे थे कि पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग कैसे याद रखते हैं, और एक था इंस्पेक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। तो ग्रू कटिंग करते हैं, क्या करते हैं हम घर बनाते हैं तो प्लिंथ जिसको न्यू बोलते हैं, न्यू को फ्लोर में खोदते हैं, उसका न्यू खोदने के बाद ना उसमें आपका कंक्रीटिंग से आप दीवार खड़ा करते हैं, वैसे ही आपको यदि स्टॉपिंग बनाना है, आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना है अंडरग्राउंड में, तो रूफ में, साइड में और फ्लोर में क्या करना होगा? ग्रू कटिंग करना होगा। वो जो ग्रू कटिंग कर रहे हैं, आप खांजा काट रहे हैं, उसी खांजा को यहां बोल रहा है लॉकिंग। क्या बोल रहा है? मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ ब्रिक आइसोलेशन स्टॉपिंग इन कोर सेल एंड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सबसे हार्ड है तो इसमें लॉकिंग डेप्थ क्या होगा? कम होगा। सेल उससे थोड़ा ज्यादा हार्ड है, उसमें उसकी तुलना में सबसे ज्यादा हार्ड ये है, उससे कम ये हार्ड है, और सबसे कम हार्ड ये है, मतलब ये कमजोर है, उससे थोड़ा ज्यादा मजबूती है और सबसे मजबूती है। तो सैंडस्टोन ज्यादा मजबूत है तो इसमें लॉकिंग डेप्थ क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें रहेगा। तो कोल में रखते हैं 1 मीटर, सेल में रखते हैं 30 सेंटीमीटर, और सैंडस्टोन में रखते हैं 15 सेंटीमीटर। यदि सबको मीटर में बोलना है तो कोल में 1 मीटर, सेल में हो गया 0.3 मीटर, और सैंडस्टोन में हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द एंगल ऑफ ड्रॉ ऑफ एन इंक्लाइंड सीम? एक को इंक्लाइंड सीम है, वहां पर एंगल ऑफ ड्रॉ के लिए कौन सा बात सही होगा? विच इज ट्रू, ऐसा है इसमें, विच इज ट्रू, कौन बात सही होगा? 4 बात आपको दे देगा एग्जाम में। तो एंगल ऑफ ड्रॉ का हम बहुत बढ़िया वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा, उसमें हम क्या बताते हैं? यदि कोई इंक्लाइंड सीम है तो एंगल ऑफ ड्रॉ डीप डायरेक्शन में क्या होगा? ज्यादा होगा। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, एक लंबा आदमी 6 फीट का और एक 4 फीट का, दो आदमी को हम एक लाइन में खड़ा कर दे और एक लाठी से एक
दोनों के कंधे पे लाठी रख दे और लाठी में एक वजन लटका दे, 20 किलो का वजन लटका दे, और यदि ऊंचा आदमी पीछे रहेगा और सामने में आपका शॉर्ट हाइट वाला 4 मीटर वाला 4 फीट वाला रहेगा, 6 फीट वाला पीछे रहेगा, तो लोड किधर की तरफ जाएगा? डिप डायरेक्शन में। तो एंगल ऑफ ड्रॉ भी मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा? एंगल ऑफ ड्रॉ मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा? इन डिप डायरेक्शन। मैक्सिमम किस साइड में होगा? इन डिप डायरेक्शन ऑफ द सीम। यह हम वहां पे बहुत बढ़िया बताए हैं, थोड़ा और देख लीजिएगा।